कांप कह रही हो? बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। नहीं। आजकल भागदौड़ वाली जिंदगी के अंदर हर एक इंसान टेंशन में है, अवसाद में है, तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। तो अपने तनाव को कम करने के लिए वो सोशल मीडिया पे आता है और यूट्यूब खोलता है ताकि कुछ मेरा मनोरंजन हो जाए। और 1947 में एक देश का जन्म हुआ था, उसका नाम था पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान हम हिंदुस्तानियों के मनोरंजन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देता। रोज नए नए नुक्ते हम लोगों पे फेंक देता है, जिसके लिए हमको हमारी जिंदगी में मुस्कुराने के 2-4 मिनट मिल जाते हैं। ऐसा ही एक और कमाल इन पाकिस्तानियों ने कर दिया है। ये भूखे नंगे तो हैं ही, इंडियन से दवाई लेते हैं और दवाइयों के पैसे भी नहीं देते हैं। इंडियन पॉलिटिशियन अजय शंकर ने ये क्लेम किया है और इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये क्लेम किया है कि जो पाकिस्तान है वो जो हमसे मेडिसिन खरीद रहा है उसके पैसे पे नहीं कर रहा, कि पाकिस्तान भारत से बहुत ही बड़े स्केल पर मेडिसिन परचेज कर रहा है मगर इसकी पेमेंट नहीं कर रहा। लानत है तुम लोग पे, लानत। अब इन्होंने पंगा ले लिया अमेरिका वालों से। तो गूगल को पाकिस्तान को पेमेंट करनी थी $34 मिलियन की, लेकिन इन कंगलों के पास में इतने पैसे होते कहाँ है? इतने पैसे तो होते ही नहीं है, ये तो मानते ही नहीं है इतने पैसे होते हैं। तो इन्होंने की नहीं। तो गूगल महाराज में हमारे बैठे हुए सुंदर पिचाई जी, उन्होंने पाकिस्तान को पेलने का ऐसा फैसला किया जिसको सुनने के बाद में पाकिस्तान की खबर आपको दें कि पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएगा। स्टेट बैंक ने आलमी सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनीज को $34 मिलियन की अदायगी मंजूर कर दी है। 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। और जैसे ही खबर पाकिस्तान में फैलना शुरू हुई, इन पाकिस्तानियों के थोबड़े लटक गए और इन्हीं लटके हुए थोबड़ों का आप और हम लेंगे आनंद। तो चले पाकिस्तान। यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान भर के मोबाइल सार्फीन 1 दिसंबर 2022 से गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। आप सबके मोबाइल फोन ठुकने वाले हैं चंद और दिन, और उसके बाद आप गूगल प्ले स्टोर से ना कुछ डाउनलोड कर पाएंगे ना गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कर पाएंगे आप, अगर आपके मोबाइल में नहीं है। स्टेट बैंक ने डायरेक्ट कैरियर बिलिंग के तरीकाकार को मुअत्तल कर दिया है, जिसकी वजह से मोबाइल कंपनियों के जरिए बैन अल-अक़वामी सर्विस को सालाना बुनियादों पर मिलने वाली $3,40,00,000 की अदायगी रुक गई है। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। इन पाकिस्तानियों को तकलीफ इस बात की नहीं है कि गूगल बैन हो रहा है, गूगल चला जाएगा तो हम कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इनको तकलीफ ही हो रही है कि जो गूगल हमें आंखें दिखा रहा है उसी गूगल पे भारत ने पिछले एक महीने में 2 बार जुर्माना किया है, एक बार $113 मिलियन का और एक बार $90 मिलियन। एक तरफ तो ये सिनेरियो चल रहे हैं, दूसरी जानब अगर बात करूं तो 2 दफा इंडिया फाइन कर चुका है गूगल को, 1 दफा $13 बिलियन का इंडियन रुपीज, और दूसरी तरफ जो है $9 बिलियन इंडियन रुपीज में। दूसरी साइड पे इंडिया लास्ट फ्यू वीक्स में 2 बार गूगल को फाइन कर चुका है, एक बार $13 बिलियन इंडियन रुपीज और एक बार $9 बिलियन इंडियन रुपीज। एक ही कंपनी है गूगल जो कि एक पाकिस्तान कंट्री को फाइन कर रही है और दूसरी कंट्री इंडिया को फाइन दे रही है, आखिर क्या वजह है? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब ये देखिए, इनको चाहिए कि सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान के लिए आसानी है कि वो जाके कोई भी चीज़ करनी होती है हम प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो प्ले स्टोर आप ख़त्म कर देते हैं तो यार आप बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और आप बाद में कहेंगे जी किसी चीज़ को आप पे करके लें तो पे आपको पता है अभी डॉलर्स में करना पड़ता है, तो वो तो ज़्यादा बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा काफ़ी, और डॉलर इन पाकिस्तानी के पास होते ही नहीं है। प्रॉब्लम की बात तो रही एक साइड पे, दूसरी साइड पे देखा जाए इंटरनेशनल इमेज कैसा जाएगा हमारा, के जब ये सुनने में आएगा कि पाकिस्तान में प्ले स्टोर ही नहीं है, कैसा इमेज आएगा? नहीं, बहुत बुरा जाएगा। देखिए एक वक्त था पहले, ये भाई मेरे यूके में होते हैं दोनों, वहाँ से आपको पता है कि PIA को बैन कर दिया था जैसे यूके में और कंट्रीज में, तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा यार में वो इमेज ख़राब होता है। तो अगर ये जब लोगों को पता चलेगा कि ये गूगल प्ले स्टोर जो है पाकिस्तान में जिन्होंने बैन कर दिया है, तो इससे तो बहुत बुरा मतलब इमेज जाएगा। बुरी इमेज तो क्या जाएगी मेरे भाई, तुम पहले से बुरे हो, तुम्हारी इमेज बुरी है, तुम्हारा पासपोर्ट देख के तुम्हें एक अलग से लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, इवन तुम्हारे सीटिंग प्रधानमंत्री के साथ में ये हाल होता है, तो ज़्यादा पाक साहब बनने की कोशिश करो भी मत।
आपसे बात करता हूँ, अमेजोन का आपको पता होगा, वो पाकिस्तान में आई है, वो ऐप आई फिर वापस चली गई, उसकी क्या वजूहत थी वो आप बताएंगे। इसके अलावा फेसबुक की बात करें वो मोनिटाइज नहीं है, पेपॉल की बात करें वो सिरे से आई नहीं है, और गूगल अगर आई थी इधर काम कर रही थी तो वो भी इस तरीके से वापस जाने का सोच रहे हैं, क्या वजह क्या है? हम ऑनलाइन या इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम क्यों नहीं कर पा रहे? वजह ये है कि क्योंकि वहाँ डॉलरों का भी मसला होता है। मेन चीज़ ये है कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो अमेज़न है ना वो उधर काफ़ी पॉपुलर है यूके में, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे इधर अभी मैंने सुना है ये यूट्यूब पे कि इधर काफ़ी बिजनेस चल रहा है, लोग अमेज़न का बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो कंपनीज फॉरेन कंपनीज बनाते हैं, यहाँ से ऑनलाइन कंपनीज बनाते हैं, पाकिस्तान में अमेज़न ऑफिशियली नहीं है। नहीं, वजह ये है कि पाकिस्तान में लोग ट्रस्ट नहीं करते। मेन चीज़ ये है कि हमारे जो PAE का आपको पता ही ट्रस्ट इशू है ज़्यादा मेन। हम इस्लामिक कंट्री हैं और हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं कि कहा जाए कि पाकिस्तान को लेकर ट्रस्ट इशू है। एक तरफ हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री और दूसरी तरफ हमें हमारे पे कोई इतमाद नहीं कर रहा। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा तो बहुत है सर, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना जब, ठीक है मैं भी एक आधा कंट्री गया हूँ, तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा फील होता है, मतलब पाकिस्तानी के साथ थोड़ा अलग ही बिहेव किया जाता है। यकीन करें जैसे एयरपोर्ट पे हम कहीं जाते हैं तो अजीब सा लगता है, बाकी कंट्रीज़ का और होता है, पाकिस्तानियों के साथ मैं अजीब बना दिया गया है कुछ हमारी अपनी। और उसके बाद अब ये जो चीज़ें हैं जब आप बता रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का, तो इससे और ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। वो पहली ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा जो उस लिस्ट में शामिल है कि हमें जैसे एक लाइन में लगा दिया जाता है, तो ये सुनने के बाद जो है ना मेरा ख्याल है कि नुकसान ही होगा, इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कोई थोड़ा एक्शन ले और इसको मतलब कि बंद होने से पहले ही कोई ऐसा एक्शन ले कि ताकि वो रिमूव न हो यहाँ से सर्विस और इसी तरह जो है ऑन रहे। भाई ऑन तो तभी रहेगी जब आप उन लोगों को दे दोगे पैसे, और पैसे नहीं दोगे ना तो भैया गूगल तो चला जाएगा, ये अमरीकी किसी के सगे नहीं है। ये मत समझो कि CEO इंडियन है तो इंडिया करवा रहा है, इंडिया तो कुछ नहीं करवा रहा भाई, वो अमरीका की कंपनी है, तो पैसे दे दो नहीं जाएगा। क्या बात है, पब्लिक में गुस्सा बढ़ेगा, इससे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा, इससे हम एज ए पाकिस्तानी कहीं पे खुद को रिप्रेजेंट करवाएंगे तो शायद हम उस प्राउड्स के साथ रिप्रेजेंट नहीं करवा पाएंगे। नहीं करवाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है सर। लिटिल थिंग बिकॉज जो इंग्लैंड का जो इशू है ना, मेन चीज़ है कि वहाँ इंग्लैंड के जो ना गोरे हैं वो इंडिया को बहुत ट्रस्ट करते हैं, वहाँ आधे से ज़्यादा कारोबार इंडिया का है, वहाँ हम कॉल करते हैं वो जाके। वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? वहाँ भी एक गोरी आई है, अभी तो बोरिस साहब तो निकल गया है। नहीं, इंडिया के ही वो एक इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक रशिया वो इंडिया के, वो भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे। ये आदमी कहता है कि मैं लंदन में रहता हूँ, तो लंदन में रहता है और इसको अपने PM का नाम तक नहीं पता। कमाल हो भाई साहब, कमाल हो पाकिस्तानी हो आप लोग, कमाल हो यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अब तो फिजा खलीफा ने भी बोल दिया है तो बिना लाइक किए हुए जाना मत। वीडियो आपने देख ही लिया है और इन पाकिस्तानियों को अच्छे से पहलते हुए मस्त मस्त दो चार कमेंट कर दीजिए। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, YouTube ने आपके भाई की रीच गिरा दी है एकदम, 50% पर लाके पटक दिए, व्यूज आना बंद हो गए। उसके दो रीजन है, एक तो आप लोग ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।